नमस्कार दोस्तों आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे हैमस्ट्रिंग इंजरीज के बारे में तो हैमस्ट्रिंग इंजरीज कॉमनली अकर होती है मायोटेंडिनस जंक्शन में ये रनिंग के टाइम एथलीट्स में होती है या एज अ रिजल्ट ऑफ सडन हिप फ्लेक्शन या नी एक्सटेंशन डायग्नोसिस क्लिनिकली होता है एकीमोसिस दिखता है पोस्टीरियर था और टेंडरनेस होता है हेमस्ट्रिंग मसल्स पे पेशेंट्स नी एक्सटेंशन अवॉइड करते हैं और डायग्नोसिस एम से कंफर्म हो जाता है ट्रीटमेंट जनरली कंजर्वेटिव होती है विद रेस्ट आइस एंड प्रोटेक्टेड वेट बेरिंग मल्टीपल टेंडन इन्वॉल्वमेंट या बोनी एवेल्जन में कभी कभी सर्जरी करनी पड़ती है तो इंसिडेंस देखें तो 30 परसेंट ऑफ न्यू लोअर एक्सट्रीमिटी इंजरीज इन एथलीट हैमस्ट्रिंग इंजरीज होती है एनुअल इंक्रीज ऑफ 4 परसेंट नोटेड है इन सॉकर प्लेयर्स लास्ट 15 इयर्स में मोस्ट कॉमनली रैपिड एक्सेलरेशन स्पोर्ट्स में देखा जाता है जैसे कि सॉकर ट्रैक एंड फील्ड स्पोर्ट्स या फुटबॉल में एनाटॉमिक लोकेशन होती है माइटेंडनस जंक्शन ये मोस्ट कॉमन साइट है रप्चर का एडल्ट में और ऑफन स्प्रिंटिंग के दौरान होता है एवल्जन ऑफ इशियल ट्यूब्रोसिटी भी देखी गई है ये लेस कॉमन है ये बच्चों में देखा जाता है स्केलेटली इमेच्योर पेशेंट्स में दस परसेंट ऑफ ऑल पेल्विक एवल्जन फ्रैक्चर है स्केलेटली इमेच्योर पेशेंट्स में ये वाटर स्कीय में देखा जाता है तो रिस्क फैक्टर्स इन इंजरी का देखें तो प्रीवियस हैमस्ट्रिंग इंजरी अगर है तो रिस्क ऑफ री इंजरी इंक्रीज हो जाती है बाय फैक्टर ऑफ सिक्स प्रीवियस इंजरी के कारण फॉर्मेशन होता है वीकन स्कार टिश्यू का ये लोअर करता है थ्रेशोल्ड टू रेकरेंट इंजरी इन एडिकुएट वार्म अप स्ट्रेंथ इम्बेलेंस हैमस्ट्रिंग टू क्वाड्रिसेप्स रेशियो अगर लेस देन पॉइंट सिक्स है हेमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ डिफरेंस अगर कॉन्ट्रोलाट्रो लेग के साथ मोर देन टेन टू फिफ्टीन परसेंट है रिड्यूस्ड हिप एक्सटेंशन है या लेग लेंथ डिफरेंस है शॉर्टर लेग्स में टाइट हेम्पस्ट्रिंग्स होते हैं ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैम्पस्ट्रिंग इंजरीज के तो पैथोफिजियोलॉजी देखें तो मैकेनिज्म ऑफ इंजरी में इंट्रामस्क्यूलर या मस्क्यूलोटेंडनस इंजरीज होती है ये सडन टेक ऑफ फेज में होती है वर्ल्ड रनिंग प्रोक्सिमल हैमस्ट्रिंग एवर्जन अगर करते हैं एज रिजल्ट ऑफ हिप फ्लेक्शन एंड नी एक्सटेंशन एक्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन अगर हैमस्ट्रिंग का हो स्विंग फेज में जब मसल मैक्सिमली इलांगेटेड होती है तब ये होता है सैटेलाइट सेल प्ले करते रोल मसल हीलिंग में फॉलोइंग मसल इंजरी तो एनाटमी देखें तो चार मसल्स कॉन्स्टिट्यूट करती है सेमी टेंडे बाइसेपरस का लॉन्ग और शॉर्ट हेड ओरिजिन देखें तो ऑल मसल ओरिजिनेट ऑनअल एक्सेप्ट शॉर्ट हेड शॉर्ट हेड ओरिजिनेट होता है लीनिया एस्परा से ऑन फीमर सेमी मेमरेनोजस का मोस्ट लैटरल अटैचमेंट होता है इंसर्शन देखे तो सेमी मेमरेनोज इंसर्ट होता है पोस्टीर आस्पेक्ट और मीडियल ट्यूबियल कॉन्डाइल में सेमी टेंडेनोस इंसर्ट होता है सुपीरोमिडियल टिबियल शॉप में विद इन द पेस एंसरिन बाइसेप्स फिमोरिस लॉन्ग हेड इंसर्ट होता है फिबुलर हेड में बाइसेप्स फिमोरिस का शॉर्ट हेड के बहुत इंसर्शन होते हैं ये फिबुलर हेड में बाइसेप्स फिमोरिस लॉन्ग हेड में और लैटरल नी कैप्सूल में इंसर्ट होता है इनर्वेशन देखें तो टिबियल ब्रांच ऑफ साइटिक नर्व सेमी मेमरिनोजस सेमी टेंडिनोजस और लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फिमोरस को सप्लाई करती है कॉमन पेरोनियल ब्रांच ऑफ साइटिक नर्व शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फिमोरस को सप्लाई करती है ब्लड सप्लाई देखें तो इन्फीरियर ग्लूटियल आर्टरी एंड प्रोफंडा फिमोरस आर्टरी सप्लाई करती है ब्लड

हैमस्ट्रिंग टेयर की एमआरआई क्लासिफिकेशन देखें तो ग्रेड वन में टी टू हाइपर इंटेंस सिग्नल होता है अबाउट अ टेंडन मसल विदाउट फाइबर डिसरप्शन। ग्रेड टू में टी टू हाइपर इंटेंस सिग्नल होता है अराउंड एंड विदिन अ टेंडन या मसल और फाइबर डिसरप्शन लेस देन हाफ द टेंडन या मसल विथ होता है ग्रेड थ्री में टेंडन या मसल फाइबर डिस्रप्शन ग्रेटर दैन हाफ इट्स टेंडन या मसल विथ होता है प्रेजेंटेशन देखें पेशेंट्स का तो हिस्ट्री देते हैं सडन पेन का पोस्टीरियर थाई में ड्यूरिंग रनिंग किकिंग या जंपिंग ओकेजनली एक पॉप जैसी फीलिंग भी आती है सिम्टम्स देखें तो पोस्टीरियरली थाई में पेन होता है हैमस्ट्रिंग टाइटनेस और स्पैज्म होता है पेन होता है विद सिटिंग प्रोक्सिमल एवल्जन फ्रैक्चर्स में फिजिकल एग्जामिनेशन करें तो एकीमोसिस दिखता है पोस्टीरियर थाई में ये सबसे ज्यादा दिखता है प्रोक्सीम लेवल फ्रैक्चर में या हाई ग्रेड टेयर में पैल्पेशन में देखिए तो पैल्पेबल मास हो सकता है मिडिल थर्ड और पोस्टीरियर थाई में अगर रप्चर हुआ तो टेंडेस टू पैल्पेशन एशियल ट्यूबरोसिटी माओटेंडेस जंक्शन या डिस्टल टेंडेनस इंसर्शन में हो सकता है गेट देखें तो स्टिफ लेग गेट होता है पेशेंट अवॉइड करते हैं नी एंड हिप फ्लेक्शन तो आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है अगले एपिसोड में हम बात करेंगे प्रोवोकेटिव टेस्ट के बारे में इमेजिंग के बारे में और ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद